Hey guys, welcome back to another blog. My name is Ajit और आप देख रहे हैं मस्कुलर रंग बाय अजीत। तो आज का जो ब्लॉग है बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होने वाली है, बहुत ही अलग होने वाली है, क्योंकि ये जो ब्लॉग है नॉर्मल वाली ब्लॉग नहीं है जो मैं ट्रैवल डेली लाइफ शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, ऐसा ब्लॉग नहीं है। ये ब्लॉग मेरा लाइफ में सबसे पहला इंटरव्यू वाली ब्लॉग है जहाँ पर मैं किसी शख्स को इस ब्लॉग में लेके आऊंगा और शख्स कौन है और मैं उनका इंटरव्यू लूंगा और वो शख्स कौन है वो जल्दी इस ब्लॉग में आप लोगों को पता चल जाएगा, शायद आपको थंबनेल में पता चल गया होगा। पर ये जो शख्स है मैं उनको लेजेंड मानता हूँ क्योंकि उनके पास जो विंटेज कलेक्शन है बहुत ही बढ़िया कलेक्शन है, बहुत ही अच्छा कंडीशन में, अच्छा रनिंग कंडीशन में है। और ये ब्लॉग स्पेशली उन लोगों के लिए होगी जो लोग विंटेज कलेक्शन के ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, जो लोग विंटेज म्यूजिक प्लेयर, विंटेज स्टीरियो सिस्टम, विंटेज कैसेट्स, रिकॉर्ड्स, सीडीज, इनके ऊपर जिनका ज्यादा शौकीन रखते हैं, ये ब्लॉग सिर्फ उन लोगों के लिए होने वाली है। मैं उस शख्स को पर्सनली मिला था 6 साल पहले, आज भी मेरे साथ टच में है। अप एंड डाउन लाइफ में चलती रहती है, मैं कभी उनके साथ टच में रहता हूँ फिर नहीं रहता हूँ। आज भी मेरा उनके साथ बॉन्डिंग बहुत ही ज्यादा अच्छा है। मैं उस शख्स को 6 साल पहले मिला था क्योंकि मैं भी विंटेज कलेक्शन के ऊपर बहुत ज्यादा शौक रखता हूँ। 6 साल पहले मैंने कॉस्मिक का लैब सीरीज 5 उनसे परचेज किया था, बाद में मैं कुछ साल यूज किया, फिर उनके साथ एक्सचेंज किया, दूसरा लाया, तो मेरा उनके साथ बहुत ज्यादा बॉन्डिंग है, अच्छा बॉन्डिंग है, क्योंकि मैं लाता हूँ और उनको वापस करता हूँ, फिर दूसरा लाता हूँ, सुनता हूँ, तो मेरा चलता रहता है। तो ये जो मोटिवेशन और ये जो आइडिया मेरे दिमाग में अचानक से आया, क्योंकि मैं जब मेरा ब्लॉगिंग चैनल में जब मैं अपना वीडियो देख रहा था तो जो मैं विंटेज कलेक्शन के ऊपर 3-4 वीडियो डाला था 3-4 साल पहले, तो वो वाली वीडियो में देखा तो बहुत ज्यादा व्यूज है, कमेंट्स है, लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, कॉन्टेक्ट करते हैं, मैसेज करते हैं। गाइज मुझे लगा ये एक स्पेशल ब्लॉग, एक स्पेशल वीडियो, एक स्पेशल इंटरव्यू उस शख्स को लेके किया जाएगा जिनके पास इतने ज्यादा कलेक्शन है ना, बिलीव मी गाइज आप बिलीव नहीं कर सकते। ये जो ब्लॉग है उनका टोटल जर्नी, टोटल उनका लाइफस्टाइल सब कुछ कवर करने वाले हैं, उनका कलेक्शन, अगर उनका परमिशन मिले तो हर एक सिस्टम का स्पेसिफिकेशंस, मॉडल और प्राइसिंग इस ब्लॉग में बताने कोशिश करूंगा अगर वो परमिशन देते हैं तो। और डिस्क्रिप्शन में उनका नाम और फोन नंबर जरूर मेंशन कर दूंगा ताकि आप लोगों को जिनको भी कुछ भी रिक्वायरमेंट होगा उनसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं उस आदमी को लेजेंड मानता हूँ क्योंकि इतना ज्यादा कलेक्शन मुझे नहीं लगता इंडिया में किसी के पास इतना ज्यादा कलेक्शन होगी। और बिलीव मी गाइस उनका घर हम लोग टूर करेंगे ना, आप देखेंगे कि उनका पर्सनल सामान कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, पर उनका जो घर है ना पूरा भरा पड़ा है विंटेज कलेक्शन का। तो ये जो ब्लॉग में पूरा उनका जर्नी कवर करने वाले हैं, कैसे उनका स्टार्ट हुआ जर्नी और क्या क्या प्रॉब्लम उन्होंने फेस किया, जो इनका पैशन है, जो उनका शौक है, तो वो कैसे उनका प्रोफेशन में बदल गया, उनसे बात करेंगे। लेकिन गाइज एक चीज और भी मेंशन करना चाहता हूँ, आजकल उनका तबीयत ज्यादा अच्छा नहीं है, उनका तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, ऑलरेडी 3 बार उनको हार्ट अटैक आ चुका है, तो पता नहीं उनका कुछ अच्छा कर्म होगा, पर 3 बार हार्ट अटैक होने के बाद भी वो आज भी बिल्कुल सही सलामत है, लेकिन तबीयत उनका सही नहीं है। और मेरा रिक्वेस्ट करने से उन्होंने मुझे परमिशन दिया उनका जो कलेक्शन के ऊपर एक ब्लॉग बनाने के लिए, एक वीडियो बनाने के लिए। तो बिना देरी किए उनके पास, उन लेजेंड के पास, उन शख्स के पास चलते हैं, तो उनका इंट्रोडक्शन मैं आपको कराता हूं। और ये जो ब्लॉग है ना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है गाइज, तो ब्लॉग में बने रहिए और जो लोग नया है ना जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए गाइज, प्लीज सपोर्ट। और चलते हैं जल्दी उनके घर पे और सारी चीज कवर करते हैं। हे गाइस देखिए हम लोग आ चुके हैं सर के घर पे, और सर आप अपना पहले नाम बताइए, फिर अपना जर्नी स्टार्ट करेंगे, फिर स्ट्रगल पीरियड क्या था और क्या क्या प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ा, मतलब आपको फेस करना पड़ा, और पहले आप नाम बताइए सर। ये मुर्गन, आर्मुगम मुर्गन। ओके, तो आप बेंगलोर से प्रॉपर हैं? बेंगलोर से प्रॉपर नहीं है, इधर ही हमारा पूरा 5 जनरेशन हो गया है। okay. और हम तो तमिलनाडु से आया है। okay. हम नहीं आया, मेरा दादा
इधर काम करने के लिए आया हुआ। हमारा फादर भी इधर ही फायदा हुआ है। हाँ हाँ। फायदा हुआ इधर ही कासगर है, एचएल में काम करता था। ओके। बैंगलोर एचएल में। हाँ हाँ। फादर अभी पूरा इधर ही सेटल हो गया। हाँ हाँ। अभी हम लोग रिलेशन है। हाँ हाँ। तमिलनाडु में रिलेशंस है, अभी कभी आना जाना होता है। मगर हम पैदा हुआ यही हुआ है। ओके। केजीएफ में हुआ, कर्नाटका केजीएफ में। केजीएफ आप लोगों को पता होगा, बहुत ही फेमस है। हाँ, केजीएफ में पैदा हुआ। हमारा दादी का घर उधर ही है। हाँ। हमारा माँ वहीं से है, केजीएफ से। मतलब माँ भी तमिलनाडु का है, फिर केजीएफ में वो लोग माइंस में काम कर रहे, गोल्ड माइंस में हमारा दादा काम कर रहा था, तभी उधर जम गया है। अभी हमारा इधर ही बैंगलोर में पूरा रिलेशंस है, इधर ही कासगर है, इधर ही सेटल हो गया है। तो अभी अभी आपका उम्र कितना हो गया सर? अभी हमारा 60 चल रहा है। जैसे कि आप लोगों को मैं बताया था, सबका तबीयत सही नहीं है। हाँ हाँ। तो सर जो थे पहले, बहुत ही मतलब उनका जो फेस में ना बहुत ज़्यादा चार्मिंग था। मैं जब मिला था 6 साल पहले, उस टाइम पे तो बहुत ही फिट थे, वो जॉब भी करते थे। हाँ। तो ये उनका जो था ना एम्पलीफायर वगैरह, ये सब विंटेज कलेक्शन है, ये उनका सेकेंडरी चीज़ था, ये कभी उनका प्राइमरी था ही नहीं पहले। जो मैं आपसे मिला था सर कभी, ये सब चीज़ें हम लोगों ने तो मतलब ये आपका साइड में था, आप साइड में था, आप ड्यूटी पे जाते थे, फिर आपको शाम 5 बजे 6 बजे वापस आते थे, उसके बाद जो टाइम बचा है उस टाइम में आप अपना ये शौक वगैरह मेंटेन करते थे। और मैं भी उसी टाइम पे शाम को ही, मैक्सिमम शाम के टाइम में मैं ही भी आता था, क्योंकि मैं भी जॉब में जाता था। तो ऐसा तो ठीक है सर, अभी आप अपना जर्नी बताइए सर, ये जो चीज़ ये आपका दिमाग में आया? हाँ, नहीं नहीं, कैसे स्टार्ट हुआ ये? हाँ, ये तो हमारा ब्लड में है। ओके। क्योंकि हमारा फादर तो म्यूजिक लवर है। हाँ, हाँ। इतना बड़ा बड़ा ये रखता था, रेडियोस, बड़ा बड़ा रेडियोस रखता था फादर ने। तो बाप को भी इसमें बहुत शौक था गाना सुनने के लिए। वो हमारा माँ का भाई भी हमारा मामा है, वो भी रिकॉर्ड प्लेयर्स ये सब एम्पलीफायर्स पूरा रखा था। ऐसे ही सुन के फादर का भी हॉबी था, तभी हम सुन के वो ब्लड में ही ऐसे आ गया। अच्छा गाना भी गाता हूँ। Okay. गाना भी गाता हूँ, गाना भी सुनेंगे, गाना भी गाए, थोड़ा से गाएंगे बस, ज़्यादा नहीं। ऐसे ही वो फादर का इंस्पिरेशन है, वो इंस्पायर्ड हो गया उसी में। हम स्कूल में पूरा हमें गाना गा रहा था। अच्छा, वो जो फंक्शन वगैरह। हाँ, फंक्शन। हाँ, मेरे को बुला रहा था कभी एमटी पीरियड में, कोई टीचर्स नहीं रहेगा तब क्लास में चलता था। हाँ, आपका ये बताओ ये करो, सब लोग कुछ कर रहा था, हम गाना गा रहे थे। Okay. गाना तो उस समय से हमको बहुत अच्छा आ रहा था, और बचपन से पूरा यही था। वो कभी ऐसा नहीं कि हमने सोचा कि नहीं अभी मेरे को थोड़ा ये चीज़ शौक लेना है, ऐसा कुछ नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आ गया, अपने आप शौक निकल, मतलब वो था ही, ब्लड में ही था। ब्लड में ही था वो, मतलब वो स्कूल में जो पोएम होता है जन गण मन हरि, तो स्कूल में पूरा वो लोग गाने के लिए वो ट्यून नहीं आ रहा था। हम जो गाया वो टीचर के सामने पोएम सुनाया। हाँ। तब टेस्टिंग हुआ। तब वो सुर से गाया था हमने, बहुत अप्रिशिएट किया हमको। उस समय से हम स्कूल में मैं ही कोई फंक्शन में मैं ही गाता हूँ। ये तो जर्नी आपका स्टार्ट बचपन से ही हो गया था। कलेक्शन करना कब से स्टार्ट हुआ? ओ, कलेक्शन करना हमारा फादर का, हम बैचलर का टाइम में कलेक्शन नहीं कर पाया। क्योंकि हमारा तनख्वाह भी बहुत कम था। और ये आप तभी बोल रहे हैं जब आप स्कूल पास आउट, कॉलेज पास आउट हो चुके, उसके बाद जब जॉब किए, तभी मतलब जब तक आप कॉलेज कर रहे थे तब तक आपके पास कोई कलेक्शन नहीं था? नहीं था। तो फादर का वो जो था, फादर का वही था। तो वही रेडियो और वही सब, वही रिकॉर्ड प्लेयर भी था फादर के पास, वही चलता था। मैं कलेक्ट नहीं किया, एक कैसेट भी नहीं खरीदा, एक रिकॉर्ड भी नहीं खरीदा उस समय पे। जब मेरा शादी हुआ 84 में,
84 में शादी करने के बाद हम वही घर में अलग रख लिया, मेरे को अलग रख दिया था। तब हमारा ये हो गया ना, तब जमा करने के लिए शुरू किया हमने। एक छोटा सा रिकॉर्ड प्ले रेडियो से स्टार्ट किया हम, कस्टम मेड रेडियो, वो खरीदने के लिए 150 रुपये हो गया था। कौन सा था वो रेडियो था? मर्फी रेडियो, उसको इंस्टॉलमेंट में किया था हमने पैसा और उसको वो नाइट में 10 बजे होता है, इंस्टॉलमेंट में ना पैसा नहीं होता है लेकिन करने का है, करने का। वो सुन रहा था, रेडियो सुन रहा था, बाद में थोड़ा ये हो गया, टेप रिकॉर्डर लिया, वो फ्लैट वाला एक आता है, छोटा सा आता है फ्लैट वाला, ऐसा दबाने से ऊपर आता है, वो लिया था। वो भी बहुत सेकेंड हैंड ही लिया था, कम रेट में। उस समय हमको ज़्यादा है पैसा लगा था, तब वो तो एक कैसेट लेने के लिए जाता था, कई डुप्लीकेट कैसेट ला के सुन रहा था। तो ओरिजिनल नहीं ले पाया था हमने, मुश्किल है, पैसा भी नहीं है और घर भी चलाना है, शादी हो गया है, अभी एक साल में बच्चे हो गया है। कब का एज में आपका शादी हुआ? मेरा शादी हुआ 22 इयर्स में, 1984 में। तो कलेक्शन उसी समय उसी साल स्टार्ट कर दिया हमने, शादी होने के बाद ही स्टार्ट किया हमने, क्योंकि मेरा अलग रूम हो गया है। मेरा वाइफ का तभी कुछ रखने होता है ना, तो उधर बड़ा घर में नहीं रख सकते हैं, इसलिए हमारा कलेक्शन होना चाहिए बोल के कलेक्शन किया था। पूरा सेकेंड हैंड ही खरीदा था, दिल्ली सिस्टम, बाद में थोड़ा थोड़ा से ऊपर आया, दूसरा काम पर गया और थोड़ा सैलरी ज़्यादा आया। बाद में मेरा तो ये गाना ही मेरा ये है, शौक है। वो बाद में दिल्ली सिस्टम लिया, छोटा छोटा से लेके लिया, दिल्ली सिस्टम बहुत रखा था, तब OLX नहीं था और कांटेक्ट भी किधर भी नहीं था बेचने के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं। उस समय हम बेचने नहीं था, हम कलेक्टर था, कलेक्टिंग कर रहा था, मेरे खुद के लिए था, पर्सनल यूज का ही था। बाद में सबसे पहला आपका कौन सा कलेक्शन था, सबसे पहला आपने कौन सा चीज़ लिया? सबसे पहले हम दिल्ली से लिया, दिल्ली सिस्टम यूनिवर्सल एम्पलीफायर, वो डबल डेक भी आता था उस समय, वो वही पॉपुलर था, हमसे वही ले पाया था उस समय, बहुत कम। बेंगलुरु में ब्रिगेड रोड, सेंट मार्क्स रोड में पूरा दुकान था, पूरा कंपनी फिलिप्स, वीडियोकॉन, ये वो सिस्टम, कंपनी सिस्टम था, डेली जाके देख रहा था उधर वो सिस्टम से देख रहा था, वो सुन के ऐसे ही खड़ा रहता था, उधर ही खड़ा रहता था, वो सिस्टम पूरा देख रहा था। और मेरे को वो उधर से भगाया भी है, क्यों इतना देर खड़ा है, रोज़ आता है, क्योंकि उसी एरिया में हम काम किया था, इसलिए थोड़ा टाइम मिलता है तो उधर जाके टाइम पास करता था। और वो सिस्टम पूरा देख रहा था, सुन रहा था, और वो दाम भी पूछ रहा था। एक वीडियो कॉन रिकॉर्ड प्लेयर विथ एम्पलीफायर 16,000-17,000 था तब। तब किधर होता है, मेरे को तो 150 रुपीज़ सैलरी है, कहाँ से होएगा, नहीं होगा। बहुत पसंद था लेने के लिए, मगर नहीं ले पाए, अभी ले लिया पूरा, अभी जो मेरे को पसंद आया। उस टाइम का सबसे स्ट्रगल पीरियड क्या था आपका, मतलब आप कुछ चीज़ लेना था, फिर स्ट्रगल आपका क्या था? स्ट्रगल बोलने से ये हॉबी में स्ट्रगल नहीं लगता है मेरे को, स्ट्रगलिंग नहीं है, जो चीज़ हमारा वो लेने के लिए स्ट्रगल होता था, मगर नहीं लेते थे उसको, क्योंकि इतना पैसा नहीं दे सकते थे। हमारा जो स्ट्रगलिंग नहीं हुआ, इतना स्ट्रगलिंग नहीं हुआ, लेना ही ऐसा मन में नहीं आया, लेंगे थोड़ा थोड़ा से लेंगे, ऐसे ऐसे कुछ कुछ ऐसे ही थोड़ा मुश्किल से ये किया हमने। कैसेट जाके खरीदने के लिए एक ही बार 4-5 खरीद रहा था, तब घर में पूछ रहा था 100 रुपया का है, छुपा के इसमें रैक में रख देता था, ऐसा भी हुआ है। ये बहुत स्ट्रगलिंग है, यही स्ट्रगलिंग। हाँ, घर से बीवी से डांट डांटी है,
वही बोल रहा हूँ ना, वो कैसेट्स लेके आके बैग से उठा के वो किचन में रहेंगे, मैं इधर रैक में रख देता था वो मालूम नहीं होता था रैक में इतना कैसेट भरा है ना। हाँ। तो देखता यही रैक 84 में बनाया हमने, यही रैक बनाया 84 में ये रैक। और ये रिकॉर्ड प्लेयर्स तो बाद में लिया था हमने, बाद में हमारा बेटा ने बोला अभी रिकॉर्ड डैडी रिकॉर्ड प्लेयर ले लो, अभी का बात है ये, बाद में का बात है, रिकॉर्ड्स पूरा ले लो। तभी मैं सोचा ओके ठीक है, पहले से था हमारे पास एक रिकॉर्ड प्लेयर, वो तो नीडल नहीं मिलता था, ये बहुत मुश्किल था उस समय। फिर मैं उठा के थोड़ा वो संडे बाज़ार में जाता था, तो 10 रुपया 20 रुपया वो 25 रुपया होता था रिकॉर्ड है, वो लेके आता था बजाता था, वो नीडल नीडल तो बिक जाता था उसमें सिरामिक रिकॉर्ड्स में। और मैं बहुत चार पांच रखता था मैं रिकॉर्ड प्लेयर फिलिप्स का, तो उसको नीडल नहीं मिला, इसलिए हमको हमारा साला को देना पड़ा। नीडल मिलना भी बहुत मुश्किल होता था। हाँ बहुत मुश्किल है उस टाइम पे, जब आप रिकॉर्ड लिए ऑलरेडी कैसेट का जमाना भी चला गया था, जब रिकॉर्ड आया फिर कैसेट आया फिर सीडीज आए डीवीडी आए फिर जाके ये MP3 वगैरह ये मोबाइल ये सब चीजें चल रही, तो इसलिए निडल मिलना भी उस टाइम का बहुत ज्यादा स्ट्रगल था। उस समय भी अभी भी ऑनलाइन बिजनेस भी नहीं चलता था उस टाइम पे, ऑनलाइन नहीं है तो मतलब बहुत बाद में आया। मैं तो अभी अभी सेल करने लगा, ये कि 10 इयर्स हो गया हमारा ये शुरू करके जो बेचना है। तो आपका जो शौक प्रोफेशनल लाइफ में जो बदला 10 इयर्स पहले हम कलेक्शन करता था, मगर बहुत कलेक्शन किया था हम, इसमें सुनना उसमें सुनना ये कैसे रहेगा। पहले हम कंपनी सिस्टम तो लिया है सोनोडाइन इक्वलाइजर कैसेट प्लेयर एम्पलीफायर लिया था 40 वैट्स का। वही मेरा बहुत बड़ा अचीवमेंट, बहुत मुश्किल से लिया, वो भी गुजली में जाके लेके आया, उसको रिपेयर करके वो बजाया था, वो IC नहीं मिल रहा था, ये वो कितना मैकेनिक के पास गया नहीं हुआ, बाद में कैसे भी करके वो एक रैक बना के रखा था, उसमें सुन रहे थे हम, दो कैसेट प्लेयर था और एक प्ले एक रिकॉर्डिंग ऐसा करता था। अभी जो आपको मतलब सिस्टम जो मिल रहा है क्या वो सही कंडीशन में मिल रहा है? नहीं, वो हम लोग को देख के लेते हैं। हाँ। हम तो देख के लेते हैं, अगर कंडीशन में भी नहीं मिलेगा तो भी उसमें अभी सिस्टम देखूंगा ना, मेरे को पसंद आ जाता है। हाँ। अगर कंडीशन में अंदर का कंडीशन बोल रहा हूँ। हाँ। अंदर का कंडीशन बोलने का मतलब है कि रिपेयर हुआ होता है या फिर डैमेज पीस होता है? हाँ वो भी लेते हैं, अगर पसंद आ गया तो ले लेंगे, क्योंकि हमारा जो भी एम्पलीफायर देखेंगे मेरे को पसंद आ जाता है, क्योंकि उसमें लगा रहता हूँ ना मैं, आ जाता है कोई भी रिकॉर्ड प्लेयर। ये मेरे पास पहले नहीं था, अभी ले लेता हूँ। अभी ले लेता हूँ, वो तो आहिस्ते रिपेयर में भी थोड़ा रिकॉर्ड प्लेयर करने के लिए जानता हूँ तो कर लेता हूँ, वो भी माइनर ये इसमें कर देता हूँ। तो मेजर है वो आपका कॉन्टैक्ट वगैरह होगा? हाँ मेजर रिपेयर है, वो हमारा एक फ्रेंड है वो करता है, वो गुजरात से आता है, वो सूरत से वो करता है, वो इधर आके रुक के करके जाता है। अच्छा वो इधर आके करके जाता है। हाँ तो वो जब आएंगे 4-5 पीस भी होने चाहिए। हाँ है रहता है ना, मैं वो डेड पीस भी लेता हूँ ना, मेरे को पसंद आ जाता है वो डेड पीस लेके मैं उसको ठीक करवाता हूँ। जब भी आप लेकिन किसी कस्टमर को सेल करते हैं मतलब 100% परफेक्ट वर्किंग कंडीशन में होनी चाहिए। यस वो तो हम मेन मोटिव यही है, पक्का एक ऑप्शन भी कम नहीं होना चाहिए मिंट कंडीशन में, और पक्का वर्किंग कंडीशन में हम देता हूँ। रिकॉर्ड्स भी ऐसे देता हूँ मैं, मेरे पास इंग्लिश है हिंदी है कन्नड़ा है तेलुगु है सब लैंग्वेज का है हमारे पास। तो अभी जितने भी चीज़ें हैं आपके पास आप सेल सिर्फ विद इन बेंगलोर करते हैं या फिर बाहर भी करते हैं? नहीं तो ऑल इंडिया
ऑल इंडिया शिपिंग करते हैं, फॉरेन भी करते हैं, अमेरिका सिंगापुर किया है, श्रीलंका किया है, ये इंडोनेशिया किया है, उस तरफ अमेरिका ज़्यादा किया हमने अमेरिका में। और इंडिया नहीं 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 एम्पलीफायर नहीं है, सिर्फ रिकॉर्ड्स जाते हैं, रिकॉर्ड्स जाते हैं, सीडीज जाते हैं। एम्पलीफायर्स तो उधर से हम खरीदा भी नहीं, उधर बेचा भी नहीं हमने, क्योंकि वो लोग को ज़रूरत नहीं ना, वो लोग उधर आसान से मिल जाता है। हमको उधर लेने के लिए ईबे में लेंगे वो डिफ़िकल्ट, मतलब ऐसा है 5000 रुपीस एम्पलीफायर है, 75,000 रुपीस विंटेज कलेक्शन है। नहीं नहीं विंटेज कलेक्शन है, फिर और भी ड्यूटीज होता है, कुरियर चार्ज होता है, तो हाँ उधर नहीं लेते हैं हम, इधर ही बैंगलोर में मिल जाता है। हमारा पास कम से कम एक 25 डीलर्स है, कॉन्टैक्ट डीलर्स खुद लेके आके देते हैं इधर। अगर वो लोग फोटो वगैरह भेज देते हैं इसमें फ़ोन में, तो हमको पसंद आ जाता है तो लेके आ जाता है, पैसे इधर ही दे देते हैं। वो तो मेन मोटिव मेरा ये है सर, रिकॉर्ड सेल करना, रिकॉर्ड खरीदना है, सेल करना है। ये तो बहुत रिकॉर्ड्स हम कलेक्ट करके रख दिया। पूछने वाला था कि सबसे ज़्यादा एम्प के ऊपर ध्यान देते हैं या फिर रिकॉर्ड्स में, सीडीज में, कैसेट्स में? तो रिकॉर्ड्स में ज़्यादा ध्यान है हमारा वही चलता है अभी। अभी मैं तो ये तो बहुत पैसा कमाने के लिए नहीं करता हूँ, घर मतलब वही मैं भी पूछने वाला था, कितना मार्जिन रखते हैं कि आप मतलब विंटेज है करके बहुत ज़्यादा रख के आगे देते हैं, या फिर मिनिमम टू मिनिमम आप रख के जितना रीजनेबल होना चाहिए उस हिसाब से करते हैं? हाँ उसी हिसाब से करते हैं, कितना रीजनेबल चाहिए मेरे को। एक एम्पलीफायर एक 5000 में दे देंगे, 10,000 में दे देंगे, तो स्टार्ट होता है एम्प स्टार्ट होता है 3,000-4,000 से स्टार्ट हो जाता है। तो हमको बहुत इंडियन एम्पलीफायर्स में बहुत पसंद है, इंडियन एम्पलीफायर्स हम बहुत पसंद करते हैं। और इम्पोर्टेड तो वो तो अच्छा ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं ना। अभी आपके पास क्या क्या कलेक्शन है इक्वलाइजर्स बहुत रखा है, अकाई है, सोनोडाइन है, वुडस्टॉक है, बहुत सारे है, कैसेट्स प्लेयर है, और रेडियो है, सीडीज है, डीवीडीज है, ये सब प्लेयर इनके पास सर के पास अवेलेबल है। उसके अलावा उसमें जो सपोर्ट चाहिए, सीडीज, रिकॉर्ड्स, डीवीडीज, कैसेट्स, ये सब भी अवेलेबल है। स्पूल्स भी हैं, बहुत इम्पोर्टेंट स्पूल्स, स्पूल रखा है, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट है जो सर के पास अभी मौजूद है, घर उनके घर पर ही है। उसका एक छोटा सा क्लिप मैं यहाँ पर लगाऊँगा और हम लोग बजाएँगे। पर एक चीज़ है, इस पर कॉपीराइट आ सकती है, तो इसलिए हम लोग सोचे हैं कि आपको व्हाट्सअप नंबर शेयर करेंगे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। जिसको भी चाहिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम आपको पर्सनली आपको व्हाट्सअप पे वीडियो सेंड कर देंगे। तो सर मुझे आप और एक चीज़ बताइए सर, जैसे आप एम्पलीफायर 3000 से स्टार्ट होती है तो मैक्सिमम क्या रेंज तक जाती है? रेंज अभी 30,000 तक हमारे पास है, 30,000 तक है। कैम्ब्रिज ऑडियो है, लक्ष्मण है, मेड इन जापान, मैं लक्ष्मण बहुत पसंद करता हूँ क्योंकि फुल्ली नेचुरल साउंड है उसमें। और वीडियोकॉन रिकॉर्ड प्लेयर वो भी बहुत पसंद करता हूँ, बहुत सारे हैं, मगर इतना है बोल के हम ज़्यादा रेट में नहीं बिकते हैं, बेचते हैं तो थोड़ा हमारा घर चलाने के लिए पैसा आया तो बस, नहीं कोई हमारा बिल्डिंग बनाने के, नहीं कार खरीदने का, नहीं कुछ भी नहीं है, बस चलना है, बस अपने भी चलना है, शौक भी पूरा होना है, सब बस सही चलना है, शौक भी पूरा होता है इसमें। आप निकालेंगे तो दूसरा और एक लेके आएंगे, किसी और को फिर वो देंगे। अगर आप जाएंगे ऑनलाइन पे ना
तो आप देख सकते हैं ऑनलाइन पे विंटेज कलेक्शन में बहुत ज़्यादा लोग चार्ज करते हैं, लेकिन सर का ऐसा नहीं है। बहुत जेन्युइन प्राइस, रीजनेबल प्राइस और कम प्राइस में देते हैं। मैं खुद यूज़ किया हूँ 6 साल से। मैं कम से कम 15-20 एम्पलीफायर आपसे एम्प रिकॉर्ड्स बहुत सारे चीज़ रिकॉर्ड प्लेयर भी लिया है। लिया हूँ कैसेट्स में, इसलिए नहीं लिया हूँ क्योंकि ऑडियो कैसेट्स इसलिए मैं नहीं लिया हूँ क्योंकि उसमें ज़्यादा मेरे को पता नहीं मज़ा नहीं आता है। तो मैं सीडीज़ में नेचुरल क्वालिटी आती है और रिकॉर्ड्स में भी क्वालिटी अच्छी आती है। डेप्थ बहुत अच्छा रहता है, मतलब एक एक बीट जो हम लोग महसूस कर सकते हैं उस पर, एक एक इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट हम लोग सुन सकते हैं उसमें। टोटली एनालॉग, नॉट डिजिटल है। आजकल तो आपको डिजिटल में पता है MP3 प्लेयर मोबाइल पर सब लोग कान पे ईयरफोन डाल के सुनते हैं, पर इसमें सुनने का मजा ही कुछ अलग होता है। हमारे पास कोई ये नहीं है, 5.1 2.1 ये सब नहीं है हमारे पास। वो प्योर स्टीरियो हम सुनते हैं, प्योर स्टीरियो। तो सर और एक चीज़ है, अभी इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में क्या आपका फ़ोन नंबर डाल सकता हूँ? डाल सकते हैं। और किसी भी आदमी कोई भी कोने में है, कहीं भी इंडिया हो, इंडिया से बाहर हो, तो कोई भी आपको कांटेक्ट करेंगे तो आप उनको जवाब देंगे, जरूर रेस्पॉन्ड करेंगे। yes, और yes, उसको sure, सर्विस sure. भी देंगे और sure, उसका रिक्वायरमेंट sure. जो भी है फुलफिल भी करेंगे। यस yes, अभी भी वैसे ही कर रहे हैं। हाँ, वैसे ही कर रहे हैं। वो लेगा नहीं लेगा वो तो दूसरी बात है। हम तो जो करना है वो पूछा है, उसका फोटोस ये वगैरह ज़रूर भेजते हैं। अगर नहीं लिया बोल के हम ये नहीं है, नहीं लेगा तो भी परवाह नहीं है। ऐसे हमारा शौक है, अगर वो हमारा सिस्टम देखे तो अच्छा लगा बोला है ना, मेरा खुश हो जाता है, बहुत खुश होता है। ठीक है सर, एक बार टूर कराते हैं सर का घर का, तो सर थोड़ा सा आपका मदद का जरूरत है। जो चीज़ आप थोड़ा सा बताएंगे टेक्निकल, मेरे को तो इतना टेक्निकल नहीं पता है, तो सर बताएंगे कौन सा मॉडल है, क्या वाटेज में है, उसके साथ मैचिंग स्पीकर क्या होनी चाहिए। सर के पास मैचिंग स्पीकर भी है जो हमने मिस कर दिया, बता ही नहीं। साउंड बॉक्स भी सर के पास बहुत अच्छी अच्छी है, पुरानी है, नया है, टावर्स है, टावर बॉक्स है। IQ इंटरनेशनल हमारे पास 12 पैर है। IQ इंटरनेशनल का स्पीकर मैं यूज़ किया हूँ और मेरा वीडियो में आप देख सकते हैं, मैं एक क्लिप डाला था और उसमें बहुत ज़्यादा व्यूज़ आई, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आया उस पर, क्योंकि क्वालिटी जो है ना, पता नहीं वीडियो में तो इतना अच्छा नहीं आता, लेकिन आप फ्रंट टू सुनेंगे ना, मतलब वो जो क्वालिटी है ना सीधा हार्ट पर लगता है, दिल पर लगता है, दम दग होता है वो। मेरे को बहुत पसंद है कि इंटरनेशनल का स्पीकर विथ सोनोडाइन एम्पलीफायर, बहुत बढ़िया है वो, इतना बढ़िया है। मैं इतना कलेक्ट करके आईफाई इंटरनेशनल भी होता है, उसमें 4 स्पीकर्स लगता है, वो भी अच्छा है। ये आईके इंटरनेशनल से बेस्ट कोई भी नहीं है, स्पीकर है लेकिन स्पीकर इतना अच्छा क्वालिटी है उसमें पता नहीं ट्विटर है कि नहीं, मैंने तो ट्विटर नहीं है, लेकिन क्वालिटी ट्विटर का बहुत ही अच्छा है। फुल रेंज स्पीकर है वो, उसमें क्वालिटी बिल्कुल, कोई भी बैट्स लगा दीजिए वो कोई दिक्कत नहीं, वो कुछ नहीं होगा वो। तो फिलिप्स बहुत अच्छा है, उसका मॉडल भी अच्छा है। तो अभी चलते हैं एक एक नहीं हर, क्योंकि इतना ज़्यादा कलेक्शन है ना। बोस भी रखे हैं। अच्छा, बोस इंटरनेशनल ब्रांड है वो, बोस तो सबको पता होगा, लाखों में उनका सिस्टम आती है, लाखों में, हाँ 1000 में तो आती नहीं, मैंने तो नहीं देखा 1000 में। yes, yes. छोटी छोटी चीज़ें कुछ 1000 में आती होंगे तो आते होंगे। और अभी इतना सारा कलेक्शन है सर के पास, तो इतना सारा कलेक्शन को एक एक कनेक्ट करके बजाना पॉसिबल तो नहीं है। नहीं है, दो एक दो चीज़ें है, एक दो जो बेस्ट है सर के पास वो एक दो सुनते हैं हम, थोड़ा सा फील करते हैं, क्योंकि म्यूज़िक तो, और ये ब्लॉग स्पेशली म्यूज़िक लवर्स के लिए है। तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं, छोटा छोटा एक क्लिप लेते हैं। तो सर और कुछ बोलना है ऑडियंस को? ऑडियंस को ये बोलना है, म्यूज़िक इज़ द बेस्ट वे, एक अच्छा आदत है इसका म्यूज़िक का। हम लोग और दूसरे रास्ते में नहीं जाएंगे, खराब रास्ते में और ख़राब चीज़ में ये वो नहीं करेंगे। सीधा काम ख़त्म हुआ, घर आया, घर जल्दी आते हैं,
वो हमको, मैं तो ऐसे आ रहा था ये आज जाके मैं ये एम्पलीफायर में सुन रहा है गाना, और पहले से सोच के रखते थे पहले ही ये एम्पलीफायर में सुन रहा है, और दूसरे दिन दूसरा एम्पलीफायर में, ऐसे ये बहुत अच्छा पाथ है वो जर्नी के लिए, बहुत अच्छा फील होता है। तो ऐसे ही जल्दी जल्दी घर आ जाते हैं, गाना सुनते हैं, मज़े लेते हैं म्यूज़िक का। ये तो म्यूज़िक लवर के लिए होता है, म्यूज़िक लवर नहीं रहता है वो म्यूज़िक लवर बन जाएगा, दो तीन बार चार बार सुनेगा। अजीत भी ऐसी है, अजीत भी ऐसे ही आया था। ऐसे ही आता हूँ, फ्री रहता हूँ, मैं आता हूँ सुनता हूँ, मैं लेता नहीं हूँ, मैं आता हूँ सुनता हूँ, सर से बात करता हूँ, जाता हूँ, बस ऐसे ही चलता है। अब हम लोग दूसरे रास्ते में नहीं जाते हैं, खराब रास्ते में, ये बहुत अच्छा वे है द लाइफ। इसमें गाना सुन के आप ये माइंड तो एक ही गाने पे रहता है, और बाहर का कुछ हुआ या घर में कुछ हुआ वो सब ख्याल में नहीं आएगा, ख्याल में नहीं आएगा, इसी में जाएगा। ठीक है सर, अभी एक छोटा सा टूर करते हैं। यस यस यस, श्योर श्योर श्योर।